जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस दिन के जन्मे बच्चे कितना ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, यह हम सभी के मन में एक प्रश्न हमेशा ही रहता है कि आखिर किस दिन के जन्मे बच्चे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल सके। दोस्तों, आपने यह अनुमान किए होंगे आप चाहे कितना भी थक हार कर आए हों, लेकिन यदि आपके गोदी में छोटा बच्चा आकर किलकारियां मारता है तो सारी थकान क्षण भर में ही दूर हो जाती है। विवाहित लोगों के मन में विवाह के पश्चात यह इच्छा होती है कि उनके घर में एक बच्चे का जन्म हो जाए, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसके भविष्य की चिंता करने लगते हैं, पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तीर्थ स्थान वाले जगहों में जाकर मुंडन संस्कार करवाते हैं, ज्योतिषियों से कुंडली बनवाते हैं ताकि मालूम चल सके हमारा बच्चा कितना भाग्यशाली होगा। दोस्तों, इन्हीं सब प्रश्नों के सटीक जानकारी के लिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस दिन जन्मा बच्चा कितना भाग्यशाली होगा और बड़ा होकर उसका स्वभाव कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। प्रिय दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी इंसान के व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस दिन बच्चों का जन्म होता है उस दिन के ग्रहों की विशेषता उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे उस बच्चे का भाग्य और व्यक्तित्व ग्रह के आधार पर ही निश्चित होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए यह जानते हैं कि किस दिन जन्मा बच्चा कितना भाग्यशाली होता है। पहला है सोमवार। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है, इसीलिए सोमवार के दिन जन्मे बच्चों का मन चंचल होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म सोमवार के दिन होता है वह बुद्धिमान होते हैं और शांत स्वभाव वाले होते हैं। इनकी वाणी बहुत ही मधुर एवं कर्णप्रिय होती है। ये स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, यह दोनों ही स्थिति में एक समान रहते हैं। धन प्राप्ति के मामले में भी यह भाग्यशाली होते हैं, इसीलिए इन्हें समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलता है। दूसरा दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन जन्मे बच्चों का स्वामी मंगल ग्रह होता है। इस दिन जन्मे बच्चे स्वभाव से ऊर्जावान और बलशाली होते हैं। मंगलवार के दिन जन्मे लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। इस दिन जन्मे बच्चों का हृदय भी हनुमान जी की तरह उदार होता है और ये जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मंगलवार के दिन जन्मे व्यक्ति अपने बातों पर कायम रहने वाले होते हैं, इसीलिए जरूरत पड़ने पर यह हिंसा पर भी उतर आते हैं। मंगलवार के दिन जन्मे बच्चों की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने परिवार के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। तीसरा दिन है बुधवार। बुधवार का दिन गणपति का दिन माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों के आधार पर बुधवार के जन्मे लोगों पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। ज्योतिषियों के अनुसार बुधवार के दिन जन्मे बच्चे धर्म कर्म में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और शांतिप्रिय होते हैं। इनके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता। बुधवार के दिन जन्मे लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। बुधवार के दिन जन्मे बच्चे बहुत ही मेहनती होते हैं तथा बोलने और बातचीत करने में भी यह बहुत कुशल होते हैं। इसी कारण हर कोई इनके करीब आना पसंद करता है।
यह जिससे भी प्रेम करते हैं उन्हें कभी धोखा नहीं देते। ये लोगों के सुख और दुख दोनों में ही बराबर साथ देते हैं। यही कारण है कि अच्छे स्वभाव के कारण लोग इन्हें सबसे ज़्यादा करीबी समझने लगते हैं। बुधवार के दिन जन्मे बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में निपुण होते हैं और अपने कार्य के द्वारा लोगों का दिल जीत लेते हैं, परंतु इनमें एक कमी भी होती है, यह बहुत ही जल्दी अपने काम से ऊब जाते हैं। इसीलिए किसी भी काम को यह ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। कई बार लोग इन्हें दोहरे चरित्र वाला समझकर इनका साथ छोड़ देते हैं। चौथा दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन जन्मे बच्चों की राशि धनु या मीन होती है तथा गृह स्वामी बृहस्पति होता है। गुरुवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए वह अपने दम पर बहुत कुछ बदलने का साहस रखते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होता है और धन संपत्ति के धनी होते हैं। साथ ही साथ यह विवेकशील भी होते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे बच्चे शिक्षा से जुड़े कार्यों को करना बहुत पसंद करते हैं। शुक्रवार के दिन जन्मे व्यक्ति काफ़ी सुंदर और प्रतिभाशाली होते हैं। इनके गृह स्वामी शुक्र होते हैं जो चेतन करने में निपुण होते हैं। इनमें नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई होती है। ये अपने जीवन में हमेशा सुखी और धनवान देखे जाते हैं। इनकी बुद्धि भी तेज होती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए शुक्रवार के दिन जन्मे व्यक्तियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी के कृपा से इन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। छठवां दिन है शनिवार। शनिवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों की राशि मकर या कुंभ होती है, जिन पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है। शनिवार के दिन जन्मे बच्चे अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं और यह थोड़ा कठोर प्रवृत्ति वाले होते हैं। शनिवार के दिन जन्मे लोगों को अगर दुख भी आए तो उसे सहना भी जानते हैं। यह गंभीर स्वभाव वाले होते हैं। इनकी जिंदगी संघर्षमय होती है, परंतु अपने मेहनत के दम पर ये अपने भाग्य को भी बदल देते हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। सातवां दिन है रविवार। रविवार के दिन जन्मे बच्चों पर सूर्य ग्रह और सिंह राशि का प्रभाव होता है। इस दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह तेजस्वी होते हैं। उनके स्वभाव में क्रोध और गुस्सा भरा हुआ होता है। ये गुणवान और निडर भी होते हैं। रविवार के दिन जन्मे व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहते हैं। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक रहता है। यही कारण है कि इनका अधिकतर समय घूमने में ही व्यतीत हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।